सो फ्रेंड्स हाय, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, महिला सुपरवाइजर का व्यापार में कैलेंडर आ गया है। जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 महीने से ही बता रही हूँ कि या तो सितंबर या तो अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा। जुलाई के सेकेंड वीक में अभी इसका वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आपके पास केवल और केवल 90 दिन भी पूरे नहीं बचते, क्योंकि शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो हो सकता है किसी का पहले ही समय में हो जाए, किसी का लेट हो, किसी का मिड वीक में हो। अक्टूबर नवंबर तक ये एग्ज़ाम चलेंगे, लेकिन इतने कम समय में आप इतना सारा सिलेबस कैसे तैयार कर पाएंगे, उसके लिए हम बेहतर रणनीति करने वाले हैं। पिछले एग्ज़ाम से हम बहुत ज़्यादा सीखेंगे। जिन्होंने पिछला एग्ज़ाम दिया है सुपरवाइज़र का, उससे पिछला दिया है, और अलग अलग स्टेट में जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ से हम सीखेंगे। जैसे कि अभी राजस्थान में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, तो वहाँ की जो क्वेश्चन फॉलो किए हैं, जो टॉपिक हमारे और वहाँ के सेम थे, तो वो हम करेंगे। जनरली राजस्थान में जीके का पोर्शन भी ऐड किया जाता है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की जो एक परीक्षा है वहाँ पर जीके वाला पोर्शन अभी नहीं लिया गया है, और अच्छा ही है, क्योंकि जीके तो अथाह है, कहाँ कहाँ तक पढ़ेंगे। और ये एक एक मतलब एक लिमिटेड सिलेबस है आपके लिए, जिसको न्यूट्रिशन आपको बहुत अच्छे से कर लिया आपने, आपने बाल विकास को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, आपने मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ लिया है, आपने बीमारियों को अच्छे से पढ़ लिया है, कौन सी बीमारी किस रोग के कारण होती है और किस रोग के कारण उसकी उस बीमारी के बाद कौन सा अंग प्रभावित होता है ना, और उस बीमारी की रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, किस किस बीमारी के लिए कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। ये एक मेजर टॉपिक है, मतलब ये मेन टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से जो मेन टॉपिक दिया ही हुआ है, और आप बहुत मतलब आपने अपना जैसे कि कोई टारगेट बना लिया कि हमको आज टीकाकरण, मतलब आज हमें टीकाकरण उठाना है, और आपने वो टीकाकरण उठा लिया, आपने उसको आज पढ़ा, कल पढ़ा, परसों पढ़ा, आपने वो टीकाकरण कंप्लीट कर दिया, तो वहाँ टीकाकरण से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन पाएंगे वो बनेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि हमारी जो YouTube पर वीडियो की रणनीति है, हमारे जिन्होंने नोट्स लिए हैं उनको एक ऑनलाइन ग्रुप मिला है, उस ग्रुप में पढ़ाने की वो रणनीति है, वो यही रहेगी। छोटा सा कोई भी टॉपिक ले लिया जाएगा और उस टॉपिक के संपूर्ण क्वेश्चंस को कराया जाएगा। जैसे कि अभी मैंने अभी 1:15 बज रहा है रात का, और करीब 10 से 11 बजे मैंने अपने उस ग्रुप में एक PDF भेजी है, जिसमें मैंने स्वास्थ्य सर्वेक्षण और ICDS के कुछ ऐसे प्रश्नों को लिया है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि ICDS के अंतर्गत कितनी संस्थाएँ कार्यरत हैं, कितनी बाल संरक्षण समितियां कार्यरत हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो जनरली देखा गया है कि वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों को हमें कवर करना है, बेफिटूर के बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत सारे जगहों पे ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत सारे जगहों पे ऐसे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के चक्कर में, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन की तैयारी कराई जा रही है जो नहीं आते। आप पिछले पेपर भी उठा के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते। एक टॉपिक जैसे टीकाकरण जैसे हुआ, तो आप ये सोचिए कि शुरुआत से लेकर कब जब तक आप टीका का एक उम्र होती है टीके लगने की, हर उम्र में टीका नहीं लगाया जा सकता। वो एक कोविड जैसी स्थिति बन गई थी कि जो सभी लोगों को टीका लगाए गए थे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनती है। टीके की भी एक उम्र होती है, उस उम्र तक हम महिलाओं को, बच्चों को किस कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। एक गर्भवती महिला को टीका लगाया जाता है तो वो कौन कौन से लगाए जाते हैं, तो उसको हम चार्ट द्वारा, चित्रों द्वारा पढ़ेंगे। इस प्रकार की आपको टोटली रणनीति बनानी है, ना कि आपको एक वो प्रैक्टिस 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 कुछ भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। एक टॉपिक लेना है और उससे संबंधित MCQ करना है, वही हम रणनीति करेंगे। 7 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है, 2017 में आई थी और अब ये 2014 में आ रही है, सॉरी 2024 में आ रही है 2017 के बाद। तो मतलब ये 7 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है, और वैकेंसी 426 है लगभग। हमने मैंने ये आपको पता है 30,000 MCQ क्यों लिखा है, 30,000+ MCQ, क्योंकि एग्ज़ाम तक मैं इतने क्वेश्चन आपको कवर करवा दूँगी। अगर मैं वीडियो के माध्यम से नहीं तो मैं कुछ ग्रुप के माध्यम से कराऊँगी। ग्रुप बहुत सारे जो लड़कियां हैं जो मुझसे ऑलरेडी पहले से जुड़ी हुई हैं MPPSC के दौरान से ही, उन्होंने नोट्स ले लिए हैं और उन्होंने नोट्स से तैयारी भी स्टार्ट कर दी है। अगर आप किसी कारणवश नोट्स नहीं ले पा रहे हैं तो हम वीडियो भी कल से स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो किस नाम से रहेगी, कैसी रहेगी, क्या क्या करेंगे हम वीडियो में, वो पूरी जानकारी हम आगे देखेंगे। हाँ, लेकिन ये मैंने लिखा है कि सब फॉर्म भरो, मतलब जिन्होंने भी ग्रेजुएट किया है एनी स्ट्रीम,
किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो साइंस हो, सभी लोग इसको भरिए। परसेंट इसका भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। एज 45 है, हो सकता है कि 5 साल आपको और रिलीफ दे दें तो 50 साल आप उसकी इसमें एज हो जाए। तो आपको हर, और ये जो मैंने लिखा है ना हर घंटे में प्रश्न, तो आपको हमारे नोट्स लेने पर एक ग्रुप मिला है, उस ग्रुप में हम हर घंटे में प्रश्न करेंगे। हर वक्त आपको तैयारी होती जाएगी। क्या होता है ना कि जब भी हम किसी ग्रुप से जुड़े होते हैं, कोई व्हाट्सअप ग्रुप हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ पर जो चीज़ आती है एकदम से हमारे दिमाग में पिन कर जाती है कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे एकदम से पढ़ लिया, तो वो आपके पूरे दिमाग में रहता है और वो याद रह जाता है। देखो ये 426 प्लस पोस्ट है, इसको आप 1000 पोस्ट मान के कर चल सकते हैं। ये 426 पोस्ट नहीं है, ये 1000 पोस्ट हैं। 1000 पोस्ट कैसे हो जाएंगी, क्योंकि अगर देखो कोई भी और एग्ज़ाम आप दे रहे होते और 426 पोस्ट होती तो उसमें कौन कौन भाग लेता, मेल भी लेते और फीमेल भी लेते, तो ये 426 पोस्ट आपके लिए केवल 200 पोस्ट रह जाती, क्योंकि मेल कैंडिडेट भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेल कैंडिडेट बिल्कुल शून्य है। कौन है, केवल 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 लड़कियाँ ही इसमें एग्ज़ाम में भाग ले रही हैं, केवल लड़कियाँ ही ये एग्ज़ाम दे रही हैं। तो ये एग्ज़ाम ओनली ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है, तो इसलिए ये 426 पोस्ट कितनी हो जाएंगी, 1000 पोस्ट हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि इसमें लड़के एग्ज़ाम नहीं देंगे, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। एक जॉब आप अपनी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकते हैं, अपनी लाइफ सिक्योर कर सकते हैं। जिन भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पीएससी की प्रिपरेशन कर रही हैं पिछले 4 साल से, वो लोग तैयारी करें। इसके अलावा बहुत सारी लेडीज़ हैं जिन्होंने बीए तो कर लिया है या बीएससी तो कर लिया है, ग्रेजुएशन भी कर लिया है, लेकिन उनके साथ क्या है कि उन लोग को कोई अभी तक जॉब नहीं मिल पा रही है। वो या तो गांव में है तो कोई उनके पास तो कोई एग्ज़ाम फाइट नहीं कर पा रही है, क्योंकि एग्ज़ाम की ये स्थिति है कि किसी भी ग्रुप में एग्ज़ाम आता है और वो बहुत नंबर ऑफ सीट कम आती हैं या वगैरह वगैरह कुछ के डिप्लोमा मांग लिए जाते हैं, तो वो महिलाएं जो हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। वो एग्ज़ाम देने से ही उनको डर लगने लगता है, क्योंकि जैसे कि हम पटवारी की ही बात कर ले, तो पटवारी में क्योंकि भले ही वो उसमें 9000 पोस्ट हों, लेकिन 7000 पोस्ट थी, लेकिन उसमें क्या होता है, लड़के भी आ गए, अदर स्टेट के लोग भी आ गए, तो इस प्रकार से वहाँ भी कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया था। यहाँ पे कहीं भी किसी भी बैकग्राउंड की महिला हो, एज भी बहुत ज़्यादा है महिलाओं के लिए, तो ये एक बहुत सिक्योर जॉब है। तो सभी लोग इसको फॉर्म भरिएगा। इसकी नोटिफिकेशन जब जैसे ही आएगा, आने ही वाला है, उसकी पूरी जानकारी एक एक पॉइंट में आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। तो न्यू है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहाँ मैं डेली आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगी, तो वहाँ जुड़ जाइएगा। साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा जो कल ही बनाया है प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। साथ में आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ ये भी, इस पर भी आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो एक अभी एक मैसेज आया था मेरे पास, नाम मुझे याद नहीं है, दिन में मैंने मैसेज पढ़ा था, जो मैंने अभी दिन में एक वीडियो बनाया था, क्या होता है सुपरवाइज़र, उसकी सैलरी क्या होती है, क्राइटेरिया वगैरह, ये सभी उसका वीडियो बनाया था। उसमें एक कमेंट आया था कि मैम 426 पोस्ट इतनी कम है, हम कैसे एग्ज़ाम देंगे। तो एक अगर ये सीट 10वीं होती ना, तो भी जो जिनको सुपरवाइज़र बनना उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती, क्योंकि आपको तो एक सीट लेना है, आपको ये सोचना ही नहीं है ना कि हमारे पास सीट कम है। बस आपको तो आपका जो लक्ष्य है ना वो एक, हमें तो बस 426 में से 425 का जो हो हमें तो वो एक सीट लेना है, ये आपके मन में सोचना है, तभी आप वो सीट एक उठा पाएंगे। तो 426 सीट कम नहीं है, 426 सीट अच्छी है। कम से कम एटलीस्ट वो आई, तो वो मंजर क्या होता कि अगर वो सुपरवाइज़र फिर देते ही नहीं, क्या कर लेते आप, क्या कर लेते हम, कोई कुछ नहीं कर पाता। एटलीस्ट वो सीट आई, तो अब उसमें एक का मैसेज आया है मैम आधी सीट तो बिक गई होंगी। अब जो भी हुआ वो देखो, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है कि
सीट बिक गई होगी या कम सीट है, बट हाँ ये आपके हाथ में अभी है कि आप मेहनत कर सकते हो, कम से कम आपको बाद में पछताना ना पड़े कि यार आप मेहनत कर लेते तो काश हम सफल हो पाते। सफल होना ना होना ये भी मैटर नहीं करता, बट मैटर करता है कि आपने अपना मेहनत अच्छे से की है, आपने अपना 100% दिया है। आपको अपना 100% इन 3 महीनों में देना है, हर टॉपिक, चाहे वो न्यूट्रिशन वाला हो, चाहे वो बाल विकास वाला हो, चाहे वो रोगों वाला हो, चाहे वो मैनेजमेंट वाला हो, चाहे सामुदायिक विकास प्रोग्राम वाला हो, चाहे योजनाएं वाला हो। योजनाओं के बारे में आगे हम बात करते हैं क्योंकि एक बहुत अच्छा खासा रोल प्ले करती है योजनाएं। महिला सुपरवाइजर की जो स्ट्रेटेजी है उसमें हम 30,000+ MCQ करेंगे। 30,000+ MCQ मतलब संपूर्ण, आप समझ रहे हैं 30,000 बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। इसमें हम संपूर्ण तैयारी कर लेंगे, इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। बस आपको मुझसे जुड़े रहना है, चैनल से जुड़े रहना है। चैनल पर सुपरवाइज़र की कोई भी वीडियो आ रही है, चाहे मैं MCQ सीरीज़ लेके आऊँ, चाहे मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ, चाहे मैं थ्योरी वीडियो लेके आऊँ, सब कुछ हमको करना है। इसके साथ हमको करेंट से भी अपडेट रहना है। जितनी भी करेंट वीडियो, करेंट जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि करेंट में कोई योजनाएँ आई हैं, जनजातियों के लिए कोई करेंट में योजना आई, अभी हाल में एक बजट पेश हुआ है तो बजट में महिलाओं के लिए कितना किया है, चाइल्ड बजट कितना दिया है, मतलब बच्चों के लिए बजट कितना दिया है, किसी भी योजनाओं के लिए कितना दिया है, जो भी लाडली लक्ष्मी बहना योजना चल रही है, लाडली बहना योजना, इसमें बजट कितना प्रावधान किया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी फोकस करना है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन उठाए जाएंगे। कारण अगर एक पेपर का लेवल बहुत अच्छा बन सकता था, अगर वो पूरा होल एक पेपर बनता, मतलब सभी को एक पेपर देना होता, ऑफलाइन सभी लोग जाते सेंटर पर और एग्ज़ाम देते, बट ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। वही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, अलग अलग पेपर होगा, लेवल किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा जैसा कि हमेशा से होता है। इसलिए आपको हर तरह के प्रश्न पर फोकस करना है, इसलिए मैंने बोला करंट से ज़रूर अपडेट रहना हर टॉपिक को। हाँ, ये वाला टॉपिक, ये वाला जो फैक्ट है आपको थोड़ा सा नेगेटिव लगेगा कि हर टॉपिक को बराबर नहीं, हर टॉपिक को हमें बराबर महत्व नहीं देना है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल नील, जहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं ना बिल्कुल ना के बराबर आते हैं, बिल्कुल ना के बराबर क्वेश्चन वहाँ से आते हैं और बहुत कम आते हैं, तो उनको नहीं देना है। वो टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ, तो उन टॉपिक पर आपको ध्यान नहीं देना है। और हाँ, पिछली परीक्षा में कोई प्रश्न आया है और तो हमको वो प्रश्न तो करना ही करना है। साथ ही साथ हो, जैसे कि पिछली परीक्षा में क्वेश्चन आ गया कि मातृ मृत्यु दर वर्तमान में कितनी है, अब आपको वो मातृ मृत्यु दर से ये भी याद कर लेना है कि वो, जैसे कि भारत की पूछी है तो मध्य प्रदेश की कितनी है, हर सबसे ज़्यादा किस प्रदेश की है, सबसे कम किस प्रदेश की है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन अपने तैयार कर लेने हैं। गणित में अपन को क्या करना है, गणित में वही टॉपिक करना है, जैसे कि बात हुई है ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज की, साधारण ब्याज की, है ना, मिश्रधन वगैरह, ये सभी क्वेश्चन हैं। इसके बाद मिश्रण का जो क्वेश्चन होता है, मिश्रण वाला जो टॉपिक है, गति दूरी वाला टॉपिक है, दो व्यक्ति मिलकर इतना काम करते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन हर बार ही व्यापम के में पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को आपको गणित में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मतलब गणित आपको पिछले व्यापम की परीक्षा में जो भी प्रश्न आए हैं उनको ही याद करना है। मैं आपको क्या कराऊँगी वीडियो में, क्या कराऊँगी, चित्रों द्वारा क्वेश्चन को याद कराऊंगी, चित्रों द्वारा हम क्वेश्चन को याद करेंगे। साथ में हमारा जो ग्रुप है, ग्रुप के बाद बता देती हूँ फ्रेंड्स, ये हमारे महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं, मेरे जो महिला सुपरवाइज़र के नोट्स हैं उसमें टोटल आपको 7 बुकलेट मिलेंगी, 7 बुकलेट टोटल मिलेंगी। हमारा ये जो पूरा पैकेज है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, मतलब इसमें ऑफलाइन आपके पास ये 7 बुकलेट जाएंगी, ये जो 7 बुकलेट आपको दिख रही हैं ये 7 बुकलेट आपके पास ऑफलाइन जाएंगी, जिसमें आपको एक प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा 3,000+ MCQ का, एक वन लाइनर बुकलेट भी मिलेगी और 5 थ्योरी बुकलेट मिलेगी। ये हमारा पूरा MCQ पैकेज है जिसका चार्ज 1399 है और 100 रुपीज़ इसका कोरियर चार्ज है। इसके अलावा अगर आप किसी गाँव में रहते हैं तो कोरियर चार्ज थोड़ा बहुत बढ़ जाता है क्योंकि बाय पोस्ट ऑफिस हमको पहुँचाना रहता है, और अगर आप किसी ज़िले में रहते हैं, तहसील में रहते हैं, तो बाय कुरियर आपके पास किसी भी प्राइवेट कुरियर सर्विस से हम आपको पहुंचा देते हैं। तो ये इसका चार्ज 1399+100 1499 है। संपूर्ण सिलेबस इसमें कवर है। इन 1499 में हम आपको ऑनलाइन
ग्रुप प्रदान कर रहे हैं जहाँ पर तैयारी कराई जाती है। देखिए ये ऑनलाइन ग्रुप का ही नोट्स है, देखिए इस प्रकार के सरल तरीके से, जैसे कि मैंने ये कुछ दिन पहले ये प्लेसेंटा तैयार करवाया था ग्रुप में, तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से टॉपिक तैयार करवाया था, प्लेसेंटा की लंबाई, वजन कितना है, उसका ब्यास कितना है, मोटाई कितनी है, औसत मात्रा कितनी है, उसका वजन कितना ग्राम होता है, पैदा होता है तो बच्चे का कितना ग्राम का, तो ये इस तरह से मैंने क्वेश्चन याद करवाए थे। ये हमारे सुपरवाइज़र का प्रैक्टिस सेट आपको हमारे नोट्स के साथ मिलता है, इसमें 3000 प्लस MCQ है, इस प्रकार के नोट्स ये आपके साथ मिलते हैं। बात की जाए अगर योजना की, तो ये देखा गया है कि हर बारी एक योजना से प्रश्न, एक नहीं कम से कम 5 से 6 प्रश्न योजना से आते हैं, मतलब योजना आपको सबसे ज़्यादा जो कवर करना है, सबसे ज़्यादा जो वेटेज देना है वो योजना को ही देना है। हमको 1990 से 2024 तक जितनी भी योजनाएं आई हैं, मतलब जितनी भी हितधारी योजनाएं आई हैं, एक तो वो आर्थिक योजना चलती है पंचवर्षीय योजना वो अलग है, लेकिन ये है हितधारी योजना जो किसी के हित के लिए आई है, तो वो हितधारी जो योजना है वो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना, कब आई थी, उनका उद्देश्य क्या था, उसमें क्या प्रावधान किया है, कितने पैसे देने का। तो हम क्या करेंगे, एक योजना के लिए एक अलग वीडियो लेके आएंगे, उस योजना के वीडियो में केवल योजना ही योजना करेंगे, हर योजना के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनी होगी, हर योजना का एक पार्ट रहेगा, उसमें हम जैसे कि विजया राजे लक्ष्मी योजना है तो उसको पढ़ेंगे, कोई जो प्रधानमंत्री मातृ योजना है वो पढ़ेंगे, टंट्या भील योजना आ गई रोजगार की वो पढ़ लेंगे, तो वो इस प्रकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो हम पढ़ेंगे, तो ये योजना से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, योजना के लिए एक अलग वीडियो कवर कल से ही हम स्टार्ट कर देंगे। अब जो बात है कि जो हमारी कल से वीडियो स्टार्ट होगी सुपरवाइज़र के लिए, एक नए सिरे से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, पुरानी जितनी वीडियोज़ थी उसको प्लेलिस्ट से हटा के एक नई प्लेलिस्ट बनाएंगे सुपरवाइज़र से तैयारी ए सीरीज़ के नाम से, उस ए सीरीज़ में आपको पूरा थ्योरी रहेगा, MCQ रहेगा, योजना के वीडियोस रहेंगे, ये सभी कुछ इसमें शामिल रहेगा। लगभग हम इसमें 500 प्लस योजनाएं पढ़ लेंगे, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा और आपके पूरे जो योजना से संबंधित टॉपिक तैयार हो जाएंगे। तो ये आपको 100% सिलेक्शन की रणनीति है, क्वेश्चन को किस प्रकार से पढ़ना है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ऐसा डीप में जाके उसमें नहीं घुसना है कि उससे बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन भी, जो एक बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक से वो आपको करना है। हर टॉपिक के बाद हम वीडियो के माध्यम से उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे, पिछली परीक्षा में आए हुए सुपरवाइज़र के प्रश्न पढ़ेंगे, विशेष फोकस किस पे देंगे, कोई करंट का टॉपिक है तो विशेष फोकस अगर महिलाओं से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है, किसी योजना से संबंधित है तो उस पे करेंगे। एक दिन हम टॉपिक वाइज क्लास लेंगे, अगले दिन उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो इस प्रकार से रोज आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने हमारे सुपरवाइज़र के नोट्स लिए हैं तो आपको ग्रुप मिला है, तो उस ग्रुप में भी लगभग हम रोज़ 50 से 70 क्वेश्चन करवाएंगे, और कभी कभी कोई कंप्लीट टॉपिक दे देंगे तो कोई कंप्लीट टॉपिक करवा लेंगे। फ्रेंड्स हमारे नोट्स 1499 के हैं, मार्केट में आपको बुक 300 में भी मिल जाएंगी, 400 भी मिल जाएंगी, अभी थोड़े दिन में बुक की बाढ़ आने वाली है मार्केट में, तो ये आप ये समझ लीजिए कि हमारा अलग अलग वेटेज है हर बुक का, हर बुक अपने आप में, एक बुक जो रहती है बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखी हुई होती है, हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं पूरे, प्रैक्टिस बुक भी है, वन लाइनर बुक भी है, थ्योरी बुक भी है, ये सब कुछ हमारे नोट्स में है, और साथ ही साथ में एक आपको ऑनलाइन ग्रुप मिल रहा है, ऑफलाइन आपके घर पे तो नोट्स पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, साथ में आपको एक ऑनलाइन ग्रुप भी मिल रहा है जहाँ पर हम आपकी तैयारी कराएंगे। मैंने बताया है आपको कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण वाला भी आज मैंने टॉपिक दिया है, कल से अभी बच्चों का उसका टेस्ट होगा, तो अगर आप भी हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सअप का नंबर भी मिल जाएगा और ग्रुप भी मिल जाएगा, 6260190944 हमारा नंबर है। कल A1 सीरीज़ से हमारी सीरीज़ भी स्टार्ट हो जाएगी, और आज ग्रुप में भी आज से ही टॉपिक देना स्टार्ट हो गया है V सीरीज़ के नाम से, जिन्होंने भी लिया है वो अच्छे से कीजिए, और जो लेना चाहते हैं वो व्हाट्सअप कीजिए, जो नहीं ले सकते हैं वो वीडियो देखिए, कल से वीडियो स्टार्ट हो रही है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।